उस टाइम भी चक्रव्यूह लगा, वो भी कमल के शेप में था, उसका चिन्ह भी कमल था, और आज भी हिंदुस्तान में चक्रव्यूह लगा हुआ है, उसको भी 6 लोग चलाते हैं, उसका भी चिन्ह कमल का निशान है। और जैसे मैंने ये बोला, बीजेपी के लोगों को पता लगा भाई सच बोल गया, सब खड़े हो गए, कैसे बोला, मोदी जी 3-4 बार खड़े हुए, मगर ये सच्चाई है। हरियाणा में अगर युवा रोजगार चाहे नहीं पा सकता है, उसके लिए एक ही रास्ता है, अमेरिका। उधर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब, वो भी रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गले लगते हैं उनसे, और उनका भाषण सुनोगे तो कहते हैं मैं किसी को अमेरिका में अंदर नहीं आने दूंगा। मतलब हरियाणा के लोग यहां से जान बचाकर जा रहे हैं, और वहां नरेंद्र मोदी का दोस्त कह रहा है, जिससे वो गले लगते हैं, कह रहा है मैं इनको अंदर आने नहीं दूंगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी देश को बांटने की बात करते हैं, हिंदू कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कहीं किसानों को आतंकवादी बुलाएंगे, और युद्ध के बीच में ऐसे भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है, मेरा डायरेक्ट ऊपर भगवान से कम्युनिकेशन है, सीधा ऊपर। अब भगवान जी मुझे ऑर्डर देते हैं और मैं लागू कर देता हूं, मुझे पता भी नहीं लगता, ऊपर से ऑर्डर आता है, मुझे तो भगवान ने भेजा है, मैं बस वो जो कहते हैं करता हूं। ये नरेंद्र मोदी जी के भगवान अजीब से हैं, ये 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी से अरबपतियों की मदद करवाने में काम मदद करवाते हैं। तो फिर बात समझ आई, नरेंद्र मोदी जी के भगवान अदानी हैं, सीधी सी बात है, जो अदानी जी उनको कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अदानी कहते हैं भैया मुझे बंबई का एयरपोर्ट चाहिए, एक फोन लगता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हाँ जी भैया CBI भेजो, ED भेजो, जिसका एयरपोर्ट है उसको परे करो, अदानी को एयरपोर्ट दो। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 अरबपतियों को कर्जा माफ किया, 16 लाख करोड़ रुपए। और ये काम करने के लिए जैसे महाभारत में चक्रव्यूह लगा था, वैसा ही चक्रव्यूह नरेंद्र मोदी जी ने आज हिंदुस्तान पे लगा रखा है। 6 लोग उस चक्रव्यूह को चलाते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अदानी, अंबानी, डोवल, मोहन भागवत। मोदी जी से कहा, मोदी जी आप गलतफहमी में हो, हिंदुस्तान का युवा अभिमन्यु नहीं है, हिंदुस्तान का युवा अर्जुन है, और वो आपके चक्रव्यूह को 2 मिनट में तोड़ देगा। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, महाभारत के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में, और वहां मैंने कहा कि महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर के मारा था। और जब मैं उस भाषण का रिसर्च कर रहा था, तो मैंने चक्रव्यूह के बारे में इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च की, और पता लगा कि चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह होता है। और यह भी पता लगा कि चक्रव्यूह में, महाभारत में, हजारों सैनिक थे, मगर चक्रव्यूह को 6 लोग चलाते हैं। शेप उसकी कमल जैसी होती है, जो हमारे बीजेपी का, जो जैसे ये कांग्रेस का है अभय मुद्रा, ये देखो, डरो मत, ये आपको हर धर्म में दिखाई देगा। यह हमारे सामने गुरुद्वारा है, गुरु नानक जी की फोटो देखेंगे। आज इंटरनेट पे जाना, गूगल सर्च करना, गुरु नानक जी की फोटो देखोगे तो आपको वो ऐसे अभय मुद्रा आपको दिखाई देगा। शिव जी की फोटो, बुद्ध भगवान की फोटो, महावीर, सबकी फोटो में आपको ये अभय मुद्रा, डरो मत,
घबराना नहीं है, ये आपको दिखाई देगा। तो ये पद्म व्यू जो कमल का चिन्ह है, इसी शेप में महाभारत में चक्रव्यूह बनाया गया और इससे अभिमन्यु को मारा गया, उसकी हत्या की गई। 6 लोग थे। और मैं सोच रहा था, अजीब सी बात है, उस टाइम भी चक्रव्यूह लगा, वो भी कमल के शेप में था, उसका चिन्ह भी कमल था, और आज भी हिंदुस्तान में चक्रव्यूह लगा हुआ है, उसको भी 6 लोग चलाते हैं, उसका भी चिन्ह कमल का निशान है। और जैसे मैंने ये बोला, बीजेपी के लोगों को पता लगा, भाई सच बोल गया, सब खड़े हो गए। कैसे बोला, मोदी जी 3-4 बार खड़े हुए, मगर ये सच्चाई है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया, वहां पे हरियाणा के युवाओं से मिला, 20-25 युवा छोटे से कमरे में रहते हैं, यहां से भाग के गए, 35 लाख रुपए से 50 लाख रुपए लगे, किसी ने जमीन बेची, किसी ने कर्जा लिया 2% महीने का साहूकार से, बैंक से पैसा नहीं लिया, बैंक नहीं दे सकता उसको पैसा, बैंक तो अदानी को देता है। भागे यहां से, इस्तांबुल गए, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पूरी दुनिया देखी, साउथ अमेरिका, सुरीनाम, नाव में गए, नाव डूबी, अपने दोस्तों को मरते हुए देखा, उसके बाद माफिया के लोगों ने उनको लूटा, पनामा के जंगलों में से निकले, पहाड़ों में से निकले, वहां अगर कोई कमजोर निकला, माफिया वालों ने उनको गोली मार दी। वीडियो दिखाया उन्होंने मुझे, कहा कि भैया ये वीडियो अपने वीडियो पर मत डाल देना, हमने नहीं डाला, मगर उनकी सच्चाई है। समुद्र में से निकले, आंधी तूफान, पहाड़ों में, जंगलों में से निकले, अमेरिका गए। मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने 30-35 लाख 50 लाख रुपए लगाए, इससे आपने हरियाणा बिजनेस क्यों नहीं खोला, छोटा सा बिजनेस खोल देते, अमेरिका जाने की क्या जरूरत। कहते हैं, राहुल जी हरियाणा में हमारे लिए कुछ नहीं बचा, हरियाणा में छोटा बिजनेस नहीं चल सकता, मिडिल साइज बिजनेस नहीं चल सकता, हरियाणा में अगर युवा रोजगार चाहे नहीं पा सकता है, उसके लिए एक ही रास्ता है, अमेरिका। उधर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब, वो भी रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी गले लगते हैं उनसे, और उनका भाषण सुनोगे तो कहते हैं, मैं किसी को अमेरिका में अंदर नहीं आने दूंगा। मतलब हरियाणा के लोग यहां से जान बचाकर जा रहे हैं, और वहां नरेंद्र मोदी का दोस्त कह रहा है, जिससे वो गले लगते हैं, कह रहा है मैं इनको अंदर आने नहीं दूंगा। ठीक है, खेती का रास्ता बंद कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस का रास्ता बंद कर दिया, पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, वो बंद कर दिया, सारे के सारे यूनिट्स प्राइवेटाइज कर दिए, कोई अदानी को दिया, कोई अंबानी को दिया। आप लोग सेना में जा सकते थे, हरियाणा के लाखों युवा हिंदुस्तान की आर्मी में, एयरफोर्स में, ठीक है भाई, नेवी में गए। नरेंद्र मोदी जी नई योजना लाए, अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना का एक ही लक्ष्य है, हिंदुस्तान के जवान को जो पेंशन मिलती थी
जो कैंटीन मिलती थी, जेब में जो पैसा जाता था, उसका छीनने का लक्ष्य। दो तरीके के जवान बना दिए, एक जिसको पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी, सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी, और दूसरा जिसको कहा जाएगा भैया आपको ना ट्रेनिंग देंगे, ना पेंशन देंगे, ना कैंटीन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको बस ये नाम मिलेगा अग्निवीर, छाती पे लगा दो इसको। क्यों जवानों का पेंशन क्यों छीना गया, जवानों की कैंटीन क्यों छीनी गई, शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी सेना को अदानी के हथियार बेचना चाहता है। आप जाइए इस भाषण के बाद, जाइए गूगल पे, जाइए अदानी डिफेंस गूगल पे सर्च करिए, उधर आपको एक चमकता हुआ वेबसाइट मिलेगा, उसमें आपको ड्रोन दिखाई देंगे, राइफल AK-47 और अलग 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 तरीके की राइफल दिखेंगी, इजरायली हथियार दिखेंगे, इजरायली ड्रोन दिखाई देगा, इजरायली राइफल दिखेगी, इजरायली कारतूस दिखेंगे। अदानी नहीं बनाता उनको, अदानी कुछ नहीं बनाता है, इजरायल की कंपनी बनाती है, अदानी उसको थोड़ा अपनी फैक्ट्री में जोड़ने का काम करता है। टेक्नोलॉजी इजरायल की, हथियार इजरायल का, ड्रोन इजरायल का, लेबल ऊपर अदानी का। पैसा जाता है अदानी जी को, सरकार का डिफेंस का बजट का हजारों करोड़ रुपए जाता है, उसमें से उनके जो मित्र हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी पार्टी को पूरी सपोर्ट मिलती है। मीडिया में अदानी जी 24 घंटा NDTV पे, बाकी चैनलों पे अंबानी जी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाते रहते हैं। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में, चुनाव चल रहा था, हमने जाति जनगणना की बात की, हमने रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाने की बात की, हमने किसानों को कर्जा माफी की बात की, नरेंद्र मोदी जी देश को बांटने की बात करते हैं। हिंदू कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कहीं किसानों को आतंकवादी बुलाएंगे, और युद्ध के बीच में ऐसे भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। मेरा डायरेक्ट ऊपर भगवान से कम्युनिकेशन है, सीधा ऊपर। अब भगवान जी मुझे ऑर्डर देते हैं और मैं लागू कर देता हूं, मुझे पता भी नहीं लगता, ऊपर से ऑर्डर आता है, मुझे तो भगवान ने भेजा है, मैं बस वो जो कहते हैं करता हूं। कुछ साल पहले मैं आसाम में मंदिर में गया, वहां पे पंडित जी से बात हुई, उन्होंने कहा राहुल तुम जिस चीज में भी भगवान को देखना चाहते हो, जहां भी भगवान को देखना चाहते हो आप भगवान को देख सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दिल के अंदर आपको भगवान मिल जाएंगे, आसमान में आपको भगवान मिल जाएंगे, मंदिर में मिल जाएंगे, धरती में मिल जाएंगे, जहां भी आप भगवान ढूंढना चाहते हो आपको भगवान मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा भाई ये नरेंद्र मोदी जी के भगवान अजीब से हैं,
ये 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी से अरबपतियों की मदद करवाने में काम मदद करवाते हैं, तो फिर बात समझ आई। नरेंद्र मोदी जी के भगवान अदानी हैं, सीधी सी बात है। जो अदानी जी उनको कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अदानी कहते हैं भैया मुझे बंबई का एयरपोर्ट चाहिए, एक फोन लगता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हाँ जी भैया सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, जिसका एयरपोर्ट है उसको परे करो, अदानी को एयरपोर्ट दो। हिमाचल प्रदेश के सेब का बिजनेस चाहिए, कश्मीर का सेब का अखरोट का बिजनेस चाहिए, वो अदानी जी को मिल जाएगा। किसी किसान की जमीन चाहिए, हजारों एकड़ जमीन आप खरीदते हो, अदानी जी जमीन नहीं खरीदता, वो बस कहता है भैया ये मुझे अच्छी लगी है, नरेंद्र मोदी जी वो उसको जमीन पकड़ा देते हैं। हम जमीन अधिकरण बिल लाए, पहला काम नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को खत्म करा। पार्लियामेंट में हम लड़ गए, हर स्टेट में उन्होंने जमीन अधिकरण बिल को कमजोर किया। फिर वो काले कानून लाए किसानों के, तीन कानून, क्यों? आपके जेब में से पैसा निकालने के कानून थे। अग्निवीर, आपके जेब में से पैसा निकालने का की योजना है, लक्ष्य यही है कि आपके जेब में से पैसा निकले और 20-25 अरबपतियों के जेब में जाए। नोटबंदी यही था, गलत जीएसटी यही है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 अरबपतियों को कर्जा माफ किया, 16 लाख करोड़ रुपए। और यह काम करने के लिए जैसे महाभारत में चक्रव्यूह लगा था, वैसा ही चक्रव्यूह नरेंद्र मोदी जी ने आज हिंदुस्तान पे लगा रखा है। 6 लोग उस चक्रव्यूह को चलाते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अदानी, अंबानी, डोवल, मोहन भागवत, इन्होंने ये लगा रखा है, ये चलाते हैं। और इस चक्रव्यूह का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों का पैसा सीधा का सीधा खींचकर 20-25 लोगों के हाथ में चला जाए। आप अपने बच्चों को कॉलेज भेजो, पहले सरकारी कॉलेजेस होती थी, सरकारी यूनिवर्सिटीज होती थी, कम से कम पैसे में आपके बच्चे जाते थे, आजकल लाखों रुपए लगते हैं। अस्पताल में जाओ, वही 20-25 लोगों के अस्पताल हैं, दिल का दौरा हुआ ले लाखों रुपए दो, किडनी की बीमारी हुई ले लाखों रुपए दो। अस्पतालों से आपका पैसा लूटा जाता है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी स्कूल्स में से आपका पैसा लिया जाता है। महंगाई, जो भी आप खरीदते हो वो 20-25 अरबपतियों को जाता रहता है। कोल्ड ड्रिंक पियोगे वो भी उनको जाएगा, टेलीफोन चलाओगे वो भी उनको जाएगा। ऐसा हिंदुस्तान बना रखा है। और हमारे काम देखो, कांग्रेस पार्टी के काम देखो, जमीन अधिकरण बिल किसको फायदा हुआ? अरबपतियों को फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ। मनरेगा, भोजन का अधिकार, भट्टा परसोल, हमारा लक्ष्य है कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो तो फिर किसानों का भी कर्जा माफ हो, मजदूरों का भी कर्जा माफ हो, गरीबों का भी कर्जा माफ हो। हम न्याय चाहते हैं। हमारा कहना है कि ठीक है भैया, अगर उनका करना है तो फिर इनका भी करो, अगर इनका नहीं कर रहे हो फिर उनका नहीं करो, न्याय होना चाहिए। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए, फायदा सबको मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट सबकी होनी चाहिए। और जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। हरियाणा में उदाहरण देता हूं, किसान 24 घंटा काम करता है मगर आपको सही दाम नहीं मिलता, एमएसपी नहीं मिलती,
धान के किसानों को आज धान का पैसा नहीं दिया जा रहा है, जाके पूछ लीजिए। और मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, हरियाणा के किसानों को कह रहा हूं कि हमारा पहला काम होगा ये जो आपका धान का पैसा है हम आपके जेब में डाल देंगे, आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। और फिर गारंटीड एमएसपी हरियाणा के किसानों को देंगे। 2 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हरियाणा की सरकार ने उनको खाली रखा है, वो आपका हक है। वो 2 लाख नौकरियां हम हरियाणा के युवाओं को देंगे, हर जात के युवा को मिलेगी, सबको समानता के साथ रिस्पेक्ट के साथ 2 लाख रोजगार हम देंगे। यहां महिलाएं आई हैं, हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2,000 रुपए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जब हमारी सरकार थी 400 रुपए का सिलेंडर था, तब नरेंद्र मोदी कहते थे 400 रुपए का सिलेंडर हो गया है, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में यह नहीं कहते कि 1200 रुपए का सिलेंडर है। हरियाणा की सरकार आएगी, 500 रुपए का सिलेंडर होगा और जो 700 रुपए बचेंगे वो आपके जेब में जाएंगे। तो हम चाहते हैं, आज सुबह प्रियंका ने कहा, हुड्डा जी ने कहा कि इज्जत होनी चाहिए लोगों की, और मैंने अपने भाषण में जोड़ा कि हां रिस्पेक्ट इज्जत जरूरी है, मगर उतना ही जरूरी पैसा है। हम रिस्पेक्ट करें, इज्जत दें और जेब में 1 रुपया नहीं हो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरा लक्ष्य है कि जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है, हरियाणा में हम शुरू करेंगे, दिल्ली में सरकार आएगी फिर मजा देखना, जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है, अदानी को अंबानी को, उतना पैसा हमारी सरकार हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को देने वाली है। आपके जेब में से पैसा निकलता है, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, प्याज महंगा होता है, आलू महंगा होता है, निकलता जाता है, दूसरी साइड से अंदर नहीं आता है, आपको रोजगार नहीं मिलता, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद कर दिए हैं, सेना का रास्ता बंद कर दिया। हम चाहते हैं कि महंगाई भी कम हो, मगर जैसे अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट आए। और हमें यह ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां 25 लोग ऐश करें, मौज करें, हजारों करोड़ रुपए की शादी मनाएं और हमारे मजदूर, हमारे किसान भूखे मर जाए। यह हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, यह हिंदुस्तान हम होने नहीं देंगे। और इसको बदलने के लिए ये जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह वाला चक्रव्यूह जो है, जिसने आपके सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। भाषण में मैंने कहा, मोदी जी से कहा, मोदी जी आप गलतफहमी में हो, हिंदुस्तान का युवा अभिमन्यु नहीं है, हिंदुस्तान का युवा अर्जुन है और वो आपके चक्रव्यूह को 2 मिनट में तोड़ देगा। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां शाम के समय आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। और आपको कहना चाहता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत हो, जमीन का मामला हो, पार्लियामेंट में जो भी आप मुझसे कहलवाना चाहो,
हरियाणा के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, किसानों के बारे में, जहां भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा। आपको सिर्फ ऑर्डर देना है कि राहुल आप ये करो, हम आपसे ये चाहते हैं, आपको पार्लियामेंट ये हमारे लिए ये मुद्दा उठाना है, मैं दो मिनट में आपका मुद्दा उठा लूंगा। आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का समय है, मैं कह रहा हूं कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को समर्थन दीजिए, मगर मैं जानता हूं कि मन आपने बना लिया है। यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है, बीजेपी हारने जा रही है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।